मम्मी वैसे आपकी कुकिंग जो है पहले से 10 गुना और बेहतर हो गई। सच भाई? हाँ भाई, असल में ये खाना मैंने नहीं बल्कि तुम्हारी छोटी ने बनाया। किसने बनाया? भाई कमाल हो गया, ये इतनी परफेक्शन कहाँ से आई तुम्हें? बस जब अम्मी खाना बनाती हैं तो साथ खड़ी हो जाती हूँ। आ गया बनाना। कमाल हो गया, वैसे मैं तो तुम्हें किताबी कीड़ा समझता था, लेकिन तुमने काम सीख लिया। बेटा भाई को रायता तो पास करो। भाई थैंक यू थैंक यू। भाई जब मैंने पहली बार आपको चाय बनाकर दी थी तो आपने मुझे गिफ्ट दिया था। जी गिफ्ट से याद आया, मेरा जो पूरा बैग है ना वो आप ही की चीजों से भरा है। लेकिन खैर उसके अलावा भी अगर कोई फरमाइश है तो मुझे बता दे, मैं वो भी पूरी कर दूंगा। तो ठीक है फिर, आप प्यारी सी भाभी लाकर मेरी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दें, घर में रौनक हो जाएगी। भाई वाह, ये तो मेरी भी ख्वाहिश है। वैसे तो ख्वाहिश अच्छी है आपकी, लेकिन थोड़ी मुश्किल है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आसमान से तारे तोड़ के लाने को कोई कह दे मुझे। तारे नहीं भाई, चांद, जिसके आने से हमारा घर जगमगा उठे। ठीक है, खैर इस बारे में ना हम जरा बाद में बात करते हैं। टॉपिक चेंज कर रहे हो तुम? नहीं टॉपिक चेंज नहीं कर रहा, असल जो टॉपिक है ना वो ये है कि मुझे लग रहा है कि आपको डॉक्टर के पास लेके जाना है मुझे। उसकी वजह ये है कि आप मुझे बहुत कमजोर लग रही हैं और मैं कल ही अपॉइंटमेंट ले रहा हूँ और अमेरिका जाने से पहले आपका कंप्लीट चेकअप होगा। बेटा मेरी तबीयत को क्या हुआ है? अच्छी भली तो हूँ मैं। अल्लाह ना करे अम्मी आपको कुछ हो, लेकिन दिल की तसल्ली के लिए चेकअप तो जरूरी है ना। बिल्कुल ठीक कह रही है। ठीक है बेटा। और भाई शादी? बेटा खाना ठंडा हो रहा, चलो चलो चलो।